हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई वांट टू स्टडी इन कनाडा, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ? जब मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, चाहे वो विजिट वीज़ा के बारे में हो या स्टडी वीज़ा के बारे में, जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है वो यही होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और पहले स्टेप से लेके कनाडा में लैंड करने तक वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा को प्रोसेस करते कैसे हैं, उसके ऊपर टाइम कितना आएगा और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से फॉलो कीजिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम फ़खर जमान है और वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए जिसके ज़रिए से आपको मदद मिल सके अपने वीज़ाज़ को प्रोसेस करने में। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ करता हूँ। सो आ जाते हैं जी मेन टॉपिक के ऊपर कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। कनाडा में अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है वो आपको IELTS टेस्ट के अंदर अपेयर होना है। ये सबसे पहले मैंडेटरी शर्त है, STS प्रोग्राम की भी शर्त है, और किसी भी अगर आप इंग्लिश कंट्री में पढ़ना जाना चाहते हैं तो प्रोफिशंसी आपको प्रूव करने के लिए उसका टेस्ट देना पड़ता है। सो स्टार्ट आपको जो लेना है वो आपको IELTS टेस्ट के अंदर अपेयर होना है। SDS प्रोग्राम के तहत जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 6 बैंड हर मॉड्यूल के अंदर होना लाजमी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया वो इससे भी हाई है। सो 6.5 मिनिमम आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने इतना सिक्योर करना है। अगर इसके ऊपर कॉस्ट की बात करूँ तो $225 के लगभग इसके ऊपर आपकी कॉस्ट आने वाली है। इसको आप अपनी लोकल करेंसी जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर टाइम लाइन की बात की जाए तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे मामले में मैंने 2 से 3 दिन इसकी YouTube के ऊपर तैयारी की और जो नेक्स्ट अवेलेबल डेट थी उसमें मैं IELTS के अंदर अपेयर हो गया। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो आपको एटलीस्ट इसको 2 से 3 माह देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बैंड्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतने चांसेस आपके हाई होंगे यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के। सो इसके ऊपर आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। सो अगर टाइमलाइन की बात करें तो मिनिमम 2 हफ्ते लगते हैं रिजल्ट आने में। सो 15 दिन से लेके 3 माह ये टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं। सो ये हो गया जी आपका नंबर 1 कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है कनाडा के स्टडी वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए। नंबर 2 जो इसकी कंडीशन है जी, बात कर लेते हैं उसके बारे में। जब आपके IELTS के रिजल्ट आपके हाथ के अंदर आ जाएं, अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी तलाश करनी है जिसके अंदर आपका पसंद का कोर्स ऑफर किया जा रहा हो, जो रेलिवेंट हो आपकी प्रीवियस स्टडी से। सो जब आप STS प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कनाडा की जो ऑफिस है उसकी तरफ से, और आपको उस लिस्ट के अंदर से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करना होगी अगर आप SDS प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि उसमें शायद बहुत ही कम ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हों, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसके अंदर से आप चूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं और जो एनलिस्टेड हैं। सो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, जो जनरल रूल होता है, एक स्टूडेंट जो है उसकी कोशिश होती है कि एटलीस्ट 4 से 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वो अप्लाई करें, ताकि उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं कि 1, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज से उसको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए और उसके पास एटलीस्ट चॉइस हो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके फर्दर अपनी स्टडीज़ करना चाहता है। कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जो मिनिमम कॉस्ट भी है किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस की, वो $50 से लेके 150 तक जा सकती है। राउंड फिगर अगर हम एक ले लें तो $100 ऑन एवरेज एप्लीकेशन फ़ीस होती है। सो लेट्स से कि आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो $500 जो हैं वो आपकी कॉस्ट इसके ऊपर आने वाली है। टाइमलाइन की बात कर लें, जो कॉलेजेस होते हैं उनका टाइम बहुत कम होता है, वो 2 से 3 वीक में भी आपको अपना एक्सेप्टेंस लेटर आपको इशू कर देते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एटलीस्ट 40 दिन से लेके 2 मंथ्स इसके अंदर अंदर कोई भी टाइम होता है कि आपको वो लेटर आपका इशू करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। सो ये आपकी स्टेप नंबर 2 है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो फाइंड करनी है जिसमें आपका रेलिवेंट कोर्स ऑफर किया जा रहा हो और उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। तीसरा प्रोसेस है जनाब, वो ये है कि आपको 1 साल की मुकम्मल फ़ीस सबमिट करनी है। SDS की तीसरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेमेस्टर फ़ीस पे नहीं कर सकते, आपको 1 ईयर फुल फीस सबमिट करना ही होगी। जो फीसेज हैं वो डिपेंड करती हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी,
जो मिनिमम अमाउंट अभी तक मैंने देखी है वो 7,500 कैनेडियन डॉलर, वो भी बहुत चंद ही किसी यूनिवर्सिटीज़ में है, 7,500 पर सेमेस्टर। सो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि एक साल की जो मिनिमम फीस कनाडा की बन रही है वो 15,000 कैनेडियन डॉलर है, और ये बहुत कम फीस है ऑन एवरेज, जो डिपेंड करता है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी पे, ऑन एवरेज सालाना फीस कनाडा में 30,000 कैनेडियन डॉलर तक हो सकती है। लेकिन आपको 15,000 मिनिमम अपने माइंड में रखना है अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं तो। सो ये आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई कि आपने एक साल की जो मुकम्मल फ़ीस है वो आपने पे कर दी। जब आप फ़ी पे करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको जो है उसकी रिसीट विद इन डेज ही कर देगी, सो इसमें टाइमलाइन की बात करने की ज़रूरत नहीं। जो ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपको डेडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि इसके अंदर अंदर आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। जो ही आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे विद इन वन और टू डे वो आपको ईमेल के ज़रिए अप्रूवल दे देंगे कि इस बंदे ने अपनी जो है फ़ी पे कर दी है। ये डॉक्यूमेंट्स आयल्स और ये सारी चीज़ें वन बाय वन इकट्ठा करते जाएंगे, क्योंकि जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो यही मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने आगे फॉरवर्ड करने होते हैं। सो एक साल की आपने फ़ी भी जो है वो पे कर दी है, उसकी ये कॉस्ट आ गई और टाइम लाइन भी आ गई। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे स्टेप। फोर्थ जो स्टेप है कनाडा का एसटीएस प्रोग्राम का, वो है आपको अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है, और उसके अंदर जो आपने अमाउंट रखनी है वो है 10,000 कैनेडियन डॉलर। 10,000 कैनेडियन डॉलर का आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। ब्लॉक अकाउंट ओपन करने का जो टाइम है वो 3 दिन से लेके 2 वीक कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैंक के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, चीज़ें कैसी जा रही हैं। यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। इसकी कोई फ़ीस वगैरह ये कुछ भी नहीं है। सो ये 10,000 कैनेडियन डॉलर जो हैं ये ही इसकी कॉस्ट होगी। सो 10,000 कैनेडियन डॉलर का आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन कर दिया। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आप एसडीएस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं। सो जो ही आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल कर लेंगे तो अब आपने अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को VFS के ज़रिए कैनेडियन एम्बेसी के अंदर फॉरवर्ड कर देना है। VFS ही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करती है। जो स्टडी परमिट की फ़ीस है वो 150 कैनेडियन डॉलर है। 150 कैनेडियन डॉलर के साथ आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देंगे, और इसकी जो टाइमलाइन है आपको तकरीबन 45 वर्किंग डेज बताया जाता है कि इसके अंदर अंदर आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका जो वीज़ा है वो मिल जाता है। जब आपको आपका वीज़ा इशू हो जाए तो अगला काम आपको ये करना होता है कि आपको अपनी फ़्लाइट बुक करनी होती है। कनाडा की फ़्लाइट्स यूजुअली काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसको आप जितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे उतना ही अच्छा है। मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए कि लाहौर से टोरंटो की जो सितंबर के महीने में चीपेस्ट फ़्लाइट है वो 498 यूरोज़, राउंड अबाउट 600 कैनेडियन डॉलर के लगभग आ रही है। सो ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये 600 कैनेडियन डॉलर जो है आप एक एस्टिमेट रखें कि आपको ये ख़र्चा आपकी फ़्लाइट के ऊपर आने वाला है। अदर एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन, ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्योंकि जब आप अपनी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करा रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी खर्चा आता है। सो मिनिमम 300 कैनेडियन डॉलर उसका भी आप अपने माइंड में रखें कि ये आपका खर्चा उसके ऊपर आने वाला है। सो ये मैंने वन बाय वन आपको कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है, प्रोसेस शुरू कहाँ से करना है, उसके ऊपर टोटल टाइम कितना लगेगा और ख़र्चा कितना आने वाला है, ये जो लिस्ट है मैं खर्चे की एक प्रोवाइड कर देता हूँ कि टोटल अमाउंट कितनी आने वाली है। ये राउंड अबाउट आपकी जो रकम है ये आपको मिनिमम अमाउंट कैनेडियन डॉलर में 25,000 to 27,000 कैनेडियन डॉलर मस्ट चाहिए अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं। इससे कम अगर आपको कोई एजेंट, कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि मैं आपका इससे कम में काम करवा देता हूँ, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो मैंने फिगर्स रखे जिसमें आपको आइल्स करना है उसके आपको पैसे पे करने ही करने हैं, ब्लॉक अकाउंट 10,000 कैनेडियन डॉलर ही है उसका और कोई हल नहीं, फ़ीस जो मैंने बताई 15,000 कैनेडियन डॉलर ये लोएस्ट फ़ीस है, इससे ज़्यादा ही फ़ीस होगी, इससे कम नहीं होगी, और बाकी आपको ऑब्वियसली अपनी फ़्लाइट भी बुक करनी और दूसरे अखराजात भी आपके होंगे। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है कनाडा की कुछ दिनों से। मैं ख़ुद भी यही प्रेफर करता हूँ कि एसटीएस प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट्स को कनाडा ही जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, और हर स्टूडेंट ऑब्वियसली इतने पैसे जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑब्वियसली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस है आपका फ्यूचर बनाने के लिए।
आई होप वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिली होगी और आपको एक मदद मिली होगी कि आपको पता हो कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा और ये प्रोसेस को स्टार्ट से लेके एंड तक मुकम्मल कैसे करते हैं। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो कर रहा होता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई चीज़ें हों आपके साथ वो शेयर होती रहें। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते उसके ऊपर वीडियो करूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलूँगा आपके साथ नई वीडियो में।